हाँ तो नमस्ते और नी हाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है यासिन खान और मैं रहता हूँ ताइवान में। स्वागत है आप सभी लोगों का नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर ये लर्न, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लर्न ऑक्यूपेशन की जो सीरीज है वो यहाँ पर चल रही है, लर्न ऑक्यूपेशन इन मैंड्रीन चाइनीज। ठीक है, ये वाली जो सीरीज है वो चल रही है और ये है पार्ट टू। अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन देखने के लिए आप यहाँ पर जो आई बटन है उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हो और पार्ट वन तक आप लोग पहुंच सकते हो। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को चाइनीज सिखाता हूँ, वो भी हिंदी भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लर्न ऑक्यूपेशन इन मैंड्रीन चाइनीज पार्ट टू। तो सबसे पहला यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आता है बार्बर, नाई। ठीक है, नाई, चलिए बार्बर यानी हिंदी में हो गया नाई। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, देखिए अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूंगा ये रहा इंग्लिश, ये रहा हिंदी, इसका ट्रांसलेशन ये है जो चाइनीज पिनियन। ठीक है, इसको पिनियन बोलते हैं और उस पिनियन को मैंने हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तोड़ मरोड़ के जुगाड़ बना के, और ये रहा ट्रेडिशनल चाइनीज। ठीक है, जो ओरिजिनल जो चाइनीज में लिखते हैं इसको। ठीक है, चलिए बार्बर को हम लोग हिंदी में ऑब्वियसली नाई बोलते हैं और उसके बाद उसको चाइनीज में कहेंगे मेई फाशी। देखिए जो ये मैंने प्लस के जो साइन लगाए हुए हैं, क्योंकि जो ये वर्ड्स था वो लंबा था, इसको मैंने तीन पार्ट्स में मैंने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, चाइनीज नई लैंग्वेज है भारतीय लोगों के लिए, तो ये आपको सीखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो बार्बर को हम लोग बोलेंगे मेई फाशी, मेई फाशी यानी बार्बर यानी नाई। देखिए चाइनीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो मैं जो बोल रहा हूं आप उसको ये भी सुनिए। ठीक है, जो मैं कैसे बोल रहा हूं, मेई फा शी यानी बार्बर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पायलट, पायलट। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने पिक्चर के माध्यम से भी आपको दिखाया हुआ है सब कुछ। ठीक है, पायलट को हम लोग हिंदी में बोलेंगे सबसे पहला विमान चालक। ठीक है, विमान चालक ये हो गया पायलट। चलिए तो अब इसको चाइनीज में जान लेते हैं कैसे कहेंगे। यहां पर देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं जी या जीए, जी जीए सॉरी जीए जांग, जीए जांग। ठीक है, जीए जांग। ठीक है, जीए जांग यानी पायलट। ठीक है, जीए जांग यानी पायलट, जीए जांग यानी पायलट, जीए जांग यानी पायलट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पायलट हो गया, अब उसके बाद आता है एयर होस्टेस। चलो मैं इनके एयर होस्टेस भी बनकर लगाए दूं। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग चाइना ताइवान हांगकांग मगा जब आप लोग जाओगे, मे बी आप लोग जो ताइवान एयरलाइंस लोगे, जो चाइना एयरलाइंस लोगे, तो आपको वहां पर एयर होस्टेस दिख जाएगी। ठीक है, तो चलिए एयर होस्टेस को हम लोग हिंदी में, यार मैंने ट्रांसलेशन का कुछ ट्रांसलेशन देखा था लेकिन मेरे को एयर होस्टेस लिखना ही सही बेटर लगा। ठीक है, चलिए तो एयर होस्टेस को हम लोग चाइनीज में यहाँ पर सीख ले, चाइनीज में यहाँ पर बोलेंगे खोंगजिए। क्या बोलेंगे हम लोग एयर होस्टेस को, देखिए बिल्कुल इजी है, दो पार्ट के अंदर है खोंगजिए। ठीक है, खोंगजिए, खोंगजिए यानी एयर होस्टेस, खोंगजिए यानी एयर होस्टेस। यहाँ पर देखिए पिक्चर के माध्यम से समझा हुआ है मैंने आपको, खोंगजिए यानी एयर होस्टेस, खोंगजिए यानी एयर होस्टेस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है शेफ, शेफ यानी बावर्ची, खाना बनाने वाला। ठीक है, चलिए बावर्ची को कैसे कहेंगे यहां पर, बावर्ची को हम लोग कहेंगे यहां पर छूशी। क्या बोलेंगे यहां पर बावर्ची को, छूशी, छूशी यानी बावर्ची। ठीक है, छूशी यानी बावर्ची। ठीक है, छूशी यानी बावर्ची। ठीक है, ये हो गया हमारा बावर्ची यानी छूशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आता है पुलिसमैन। ठीक है, पुलिसमैन, हम लोग पुलिसमैन को पुलिस वाला या तो फिर रक्षक बोल सकते, रक्षक, रक्षक शायद बोल सकते हैं। ठीक है, पुलिस वाला। ठीक है, पुलिस वाले को हम लोग बोलेंगे यहां पर जिंगचा। देखिए मैं आपको बताऊं कि यार जो ये वाला वर्ड था ना, मेरे को याद रखने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, पता नहीं इतना इजी वर्ड्स है, लेकिन जब भी मैं पुलिस वाले को यहां पर देखता था, इतने सारे पुलिस वाले घूमते होते, तब मैं उनको देख के याद करने की कोशिश करता था। ठीक है यार, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जिंगचा जिंगचा। हाँ देखिए दोस्तों, इस वर्ड्स को मैं सिखा उसके पहला मैं आपको एक चीज बता दूंगा। देखो मैंने चाइनीज कैसे सीखी पता है, देखिए मैं जो वर्ड्स है उसको याद रख लेता था। ठीक है, और जब भी मैं बाहर जाता था, जैसे कि मैंने बिल्डिंग देख ली यानी या तो फिर पेड़ देख लिया, या तो फिर मैंने एक मोटर बाइक देख लिया, या तो फिर मैंने कार देख ली। ठीक है, घर में मैं आया तो मैंने फ्रिज देखा, ये डोर देखा, कंप्यूटर देखा, फैन देखा, तो उसको देख के यार साला मैं, यार सॉरी लाइक उसको क्या बोलेंगे चाइनीज के अंदर, तो क्या करा था, क्या किया था पता है, मैंने मेरे घर की जो भी चीजें थी ना उसके ऊपर मैंने टैग लगा दिया था।
एक छोटी पर्ची आती है उसके ऊपर लगा के उसके ऊपर सेलोफेन टेप लगा के मैंने फ्रिज के ऊपर चाइनीज नाम लगा दिया था, कबर्ड के ऊपर उसका चाइनीज नाम लगा दिया था, कंप्यूटर के ऊपर उसका चाइनीज नाम लगा दिया था, ठीक है, टेबल के ऊपर उसका चाइनीज नाम लगा दिया था, ताकि मैं घर के अंदर घूम रहा था यहां से वहां कुछ भी एक्टिविटी के अंदर या तो फिर बेड पे मैं सोया हूं, मेरी नजर पड़ रही है तो क्या उसको देख देख के पढ़ पढ़ के मेरे को सारा कुछ याद हो गया, ठीक है। और बाहर जब भी मैं जाता था, ठीक है, हर चीज घर से बेसिक चीज जो याद करके जाता था याद करके जाता था, ठीक है, बाहर जाके जब भी मैं देखता था, ओ या पेड़ को ये बोलेंगे, बिल्डिंग को ये बोलेंगे, फलाने को ये बोलेंगे, कार को ये बोलेंगे, तो ऐसे ऐसे स्लोली स्लोली प्रैक्टिस हो गई थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो पुलिस वाला है उसको हम लोग बोलेंगे जिंगछा, ठीक है। ये मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड था ऑक्यूपेशन के अंदर मेरे को याद रखने के लिए, ठीक है। जिंगछा यानी पुलिस मैन, जिंगछा यानी पुलिस मैन यानी पुलिस वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉयर, ये आखिरी है इस पार्ट के अंदर, लॉयर वकील, वकील को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूश, ठीक है, वकील को हम लोग बोलेंगे ल्यूश, ठीक है, ल्यूश यानी वकील, ठीक है, ल्यूश, देखिए बिल्कुल इजी है, ल्यूश यानी वकील, ल्यूश यानी वकील, ठीक है, ल्यूश यानी वकील, ठीक है। चलिए, हाँ दोस्तों, यहाँ पर खत्म हो गया है पार्ट टू, और यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को जो मेरा काम है वो पसंद आता है तो प्लीज आप लोग जो मेरा चैनल है आप उसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो चाइना, हांगकांग, मकाओ या ताइवान जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, या तो फिर उनका वर्क वीजा लगा हुआ है, वो लोग काम करते हैं वहां पर और उनको चाइनीज नहीं आती, तो वो लोग मेरे चैनल को देखकर अपने जो देसी तरीका है हिंदी माध्यम से वो लोग चाइनीज को सीख सकते हैं, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूंगा, ये वाली जो लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हो ताइवान में, यहाँ पर चाइना में, मलेशिया में, मकाओ में, हांगकांग में और सिंगापुर में, ठीक है, इन सारे देशों में आप लोग बोल सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ताइवान और या तो फिर चाइनीज लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो और आप मेरे को जो भी आपके क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अलविदा, बाय बाय और जय जय हिंद।